लेट्स कंटिन्यू ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 चैप्टर नंबर 2। अब ये सब चीज जॉब पढ़ेंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। द ब्रेक इवन एनालिसिस फैसिलिटेट द कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच टोटल इनकम दैट इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इन अदर वर्ड इट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। एट दिस पॉइंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यानी जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा। Hence this point is called break even point. MCQ में लिख लेना, contribution equal to fixed cost is called break even point. If production increases beyond this level or sales increases beyond this level, there will be profit. And if decreases beyond this level, there will be loss. Once break even point is reached, the output beyond this point can normally obtain comparatively lowest cost per unit because after BEP only variable costs are incurred for producing additional output and fixed costs remain unchanged. ये पैराग्राफ आपको ये बताना चाहता है जैसे ही आप ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच गए तो उसके बाद जो आपका कॉस्ट बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा वो ओनली वेरिएबल कॉस्ट, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट इसके बाद बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो भी इंक्रीज होगा एमसीक्यू में आ सकता है कि वंस बीपी इज रीच व्हिच कॉस्ट विल बी इंकर्ड आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं आता। क्लियर? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेथड ऑफ कैलक्यूलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट there are three method to determine break even point in terms of unit. Unit means कितने unit बनाने पड़ेंगे, जिसको बेच के या तो कितने unit बेचने पड़ेंगे जिससे आपको no profit होगा ना loss होगा, और sales value का मतलब कितने rupees का sales करना पड़ेगा जहां पे आपको ना profit होगा ना loss होगा। तो first method is equation method, सीधा बताया profit is equal to sales minus variable cost minus fixed cost. At BEP profit is zero. Clear? So अपने ऐसा भी लिख सकते हैं sales is equal to fixed cost plus variable cost. Algebraic method, break even point is equal to fixed cost divided by profit volume ratio PV ratio. अब PV ratio कैसा निकलता है वो आगे आप formula में पढ़ोगे। The formula for calculating PV ratio is contribution divided by sales into 100, या तो contribution per unit divided by sales per unit into 100, या तो change in contribution divided by change in sales into 100. Clear? And third one is graphical method. Graphical method already आप लोग पढ़ चुके हो first year BCom में। तो तीन method से break even point को calculate किया जाता है। Second one is contribution. कंट्रीब्यूशन क्या है, भी आप कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ चुके हो। डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसको कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। यानी व्हेन सेल्स इज व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स अमाउंट, द अमाउंट वी रिसीव्ड इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। सिंस फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। So profit can be increased by increasing contribution. यानी जैसे जैसे आपका contribution बढ़ेगा आपका profit increase होगा, जैसे जैसे आपका contribution कम होगा आपका profit decrease होगा. Similarly, if contribution comes down the profit will be lower. Therefore, underline कर देना, लिख लेना, contribution is important point, vital point to focus attention and the management will try to maximize country
कंट्रीब्यूशन, यानी सीधा है कि अगर मैनेजमेंट में जितना ज्यादा ट्राई करना है कि जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि ये मेथड के अंदर हम लोग फिक्स कॉस्ट को ध्यान नहीं देते। फिक्स कॉस्ट भी होता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, इट्स चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर। देयरफॉर टोटल रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज बाय सेलिंग गुड एट अ प्राइस इवन लोअर देन टोटल कॉस्ट बिकॉज इट इज ओनली एडजस्टेड कैलक्यूलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इज कॉल्ड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो देखो लिखा हो द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, एंड जनरली इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये हमेशा परसेंटेज में ही आएगा कि पीवी रेशियो इज 30%, 40%, 50% एंड सो ऑन। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट टू सेल्स। PVR के ऑल्सो बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द कंट्रीब्यू चेंज इन कंट्रीब्यूशन विद चेंज इन सेल्स। देखो एन टिक कर लेना, एन इंक्रीज इन प्रॉफिट विल इंक्रीज कंट्रीब्यूशन बिकॉज फिक्स कॉस्ट आर एज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सीधी बात है, पहले से पढ़ते आ रहे कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को ध्यान दिया जाता नहीं है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करना है ना। अगर आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, क्लियर। आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लियर। अब इसके यूजेस क्या है तो ध्यान देना, इसके यूजेस क्या है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज वेरी यूजफुल इन टेकिंग मैनेजर डिसीजन। मैनेजर डिसीजन लेने में पीवी रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्व है, क्लियर। याद रखना इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द रेट एट विच प्रॉफिट इज अर्न, ये वो बताता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, क्लियर। क्या बताता है, पीवी रेशियो। अब याद रखना अगर आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है तो समझ लो आपका बिजनेस का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा ही होगा। एमसीक्यू में पूछ सकते अ हाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो रेशियो इंडिकेट लो प्रॉफिटेबिलिटी। ये सब चीज आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैलक्यूलेशन। चाहे आपको ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना हो, या प्रॉफिट एट गिवन लेवल ऑफ सेल ढूंढना हो, या वॉल्यूम ऑफ सेल ढूंढना हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढना हो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढना हो, या सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना हो, यानी याद रखना मैंने मार्केटिंग के अंदर मैनेजमेंट के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जनरली हर जगह इस्तेमाल होगा। चाहे आपको प्रॉफिट ढूंढना हो, सेल्स ढूंढना हो, एक्सपेक्टेड सेल्स ढूंढना हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढना हो, एवरीथिंग, क्लियर। अब इंप्रूवमेंट इन पीवीआर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मगर पढ़ लेते। एस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एनी इंप्रूवमेंट इन रेशियो विदाउट इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट वुड रिजल्ट हायर प्रॉफिट। याद रखना अगर आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंप्रूव होता है फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज किए बिना, तो समझ लो आपका प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। नाउ कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, MSS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, है ना। वाकई में आपने एक्चुअल में सेल्स कितना करा है और आपका ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्स कितना है, वो दोनों का जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस है माइनस करेंगे एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को, तो आपको मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो लिखा हुआ है सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन, ब्रेक इवन के बाद का जितना भी सेल्स होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाएगा। ऑल फिक्स्ड कॉस्ट आर रिकवर फुल्ली एट बीपी, अपने ऊपर पड़ा कि जितने भी आपके फिक्स कॉस्ट है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे कवर हो जाते हैं। सो फिक्स कॉस्ट हैव टू बी इंक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एमएसएस, इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जितना भी आपका टोटल फिक्स कॉस्ट था मार्जिनल कॉस्टिंग में पूरा के पूरा फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन के अंदर एब्सॉर्ब हो गया था। एंड द फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। देखो वापिस आए, मैंने ऊपर ही बताया था पीवी रेशियो का महत्व क्या है, कि मैंने बोला था कि जनरली पीवी रेशियो वो रेशियो जनरली हर जगह इस्तेमाल होता है। अब क्या दर्शाता है ये, क्या एक्सप्लेनेशन करता है, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज लार्ज इट इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, क्यों स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का जितना भी सेल है वो आपका सेफ सेल है, उसको अगर आप कम से कम कीमत में बेचोगे तो आप लॉस में नहीं होगे। इसके लिए कंपनी ये पॉइंट के अंदर खाली प्रॉफिट ही करेगी, कोई लॉस की बात आती नहीं है। एंड इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्मॉल एंड अ स्मॉल रिडक्शन इन सेल, अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, थोड़ा सा सेल कम हो जाता है, तो इट विल बी सीरियस मैटर फॉर यू एंड देर इज अ चांसेस ऑफ अकरिंग लॉस, ये आपके लिए हानिकारक सिचुएशन है। अगर इसके बाद अगर थोड़ा भी सेल्स कम होता है तो आपको नुकसान भी हो सकता है या तो बंद करने की नौबत भी आ सकती है। क्लियर। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे बढ़ाएंगे, तो पॉइंट नंबर वन, या तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, या तो वेरिएबल कॉस्ट कम कर दो, या तो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लेके आ जाओ। क्लियर क्लियर, ये हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड लास्ट पॉइंट इज एंजल एंगल ऑफ इंसिडेंस, बहुत काम की चीज है एमसीक्यू के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब कर्व का इंटरसेक्ट होना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन बिटवीन द सेल लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन फॉर्म एट बीपी, वेयर सेल लाइन एंड कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पे आपका टोटल कॉस्ट और सेल इंटरसेक्ट होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। और ये आपका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, याद रखना प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, याद रखना प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी डिस्क्लोज करता है। अ हाई लेवल ऑफ इंसिडेंस, अगर आपका लेवल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो प्रॉफिट ज्यादा, कम है तो लो प्रॉफिट। क्लियर, समझ में आया। एंड लास्ट टॉपिक इज फॉर्मूलास, याद करनी ही पड़ेगी आपको, सबसे पहले तो याद करनी पड़ेगी, इसके बिना तो आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल रहता नहीं है। तो इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको इजी रहेगा। बेसिकली सब फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिए, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा के पूरा प्रैक्टिकल लेक्चर ही स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो देखो कौन सी फॉर्मूला है, मैं आपको समझाते जाता हूँ, आप समझते जाना। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो हम ये फॉर्मेट देख लेंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। तो सेल्स इसमें से आपने ये आधी फॉर्मूला तब पीएच कवर कर देगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है आपको। क्लियर, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन आपका जो भी आ रहा है, चाहे एक्स वाई जेड अपने ले लेते हैं, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। इसमें से आप लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो ये ही स्टेटमेंट पे आपका पूरा टेबल डिपेंड करता है। इसमें आपकी कौन सी फॉर्मूला आती है, तो सबसे पहली आपकी फॉर्मूला देखो, अगर पूछा कंट्रीब्यूशन फाइंड करो तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर पूछा जाता है आपको वेरिएबल की स्पेलिंग सुधार लेना, फिक्स कॉस्ट ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। अगर आपको सेल्स ढूंढना है तो कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है तो सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो। यार पांच छह फॉर्मूला तो तुम्हारी यहीं से बन जाएगी। अब तुम्हारी आती सबसे पहली फॉर्मूला पीवी रेशियो। कौन सी रेशियो? पीवी रेशियो। तो इसकी दो तीन फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर वन क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। पहली फॉर्मूला तुम्हारी है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। क्लियर। अब दूसरी फॉर्मूला क्या है? इसकी तीन चार फॉर्मूला है, आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरी फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड। ये आपकी दूसरी फॉर्मूला हुई। तीसरी फॉर्मूला बनती है तुम्हारी चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये तुम्हारी तीसरी फॉर्मूला है किसकी? पीवी रेशियो की। क्लियर। उसके बाद आती है तुम्हारी ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। अब बीईपी दो तरीके से होता है। अगर आपको पूछा हो सेल्स में ढूंढो तो उसकी फॉर्मूला अलग, अगर आपको पूछा है यूनिट में ढूंढो तो उसकी फॉर्मूला अलग है। चलो देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्या बोलता है। इसकी फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो ये आपको मिल जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की फॉर्मूला। अगर आपको पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट किस में पूछा है? यूनिट में, कि कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या बनेगी? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ में आई है तुम्हारी बीईपी की फॉर्मूला? दो ही फॉर्मूला है, दोनों दो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में खाली बीईपी बोला जाता है तो हम दोनों दो फाइंड करेंगे। आपको डिसाइड करना है कौन सी जगह पे कौन सी फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। तीसरा आता है सेल्स टू अर्न एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अगर आपको ये फॉर्मूला पूछिए सेल्स टू अर्न एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी सपोज दाखला तरीके मेरे को 40,000 प्रॉफिट करना है करंट सिनारियो पे, तो मुझे कितना सेल्स करना पड़ेगा? तो इसकी फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला ऑफ दिस इज फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। क्लियर। अब ये भी जो तुम्हारा जो मिला ये किसमें मिला? ये जो तुमको मिला वो मिला तुम्हारे को वैल्यू में। अब एग्जाम में कुछ नहीं दिया जाता तो आप ये फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, चलेगा। मगर कितने सम ऐसे है जहां पे आपको ये पूछा गया है कि फिक्स सेल्स टू अर्न एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन यूनिट इन
यूनिट, आपको यूनिट में पूछा है तो वहां पे कैसे फाइंड करेंगे, तो इसकी फॉर्मूला वहां पे क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वहां पर आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? इस टाइप से आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना, इस तरीके से आपको लोग फॉर्मूला पूछ सकते कि किसकी फॉर्मूला क्या है, कैसे बनानी, कैसे इंटरप्रिट करना है। क्लियर? उसके बाद तुम्हारी फॉर्मूला आती है पीवी रेशियो हो गया, सेल्स टू अर्न हो गया, बीईपी हो गया। उसके बाद आती है एमएसएस। तो एमएसएस की फॉर्मूला क्या है, तो अपने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा एमएसएस। अगर आपको परसेंटेज ऑफ एमएसएस पूछा है, परसेंटेज ऑफ एमएसएस पूछा है, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बेसिकली तुम सब जगह देख लो, जनरली हर जगह प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का इंपॉर्टेंस, महत्व ज्यादा है। बाकी की जो दूसरी फॉर्मूला हो, तो मैंने बताया कि अगर ये इनकम स्टेटमेंट आप स्टडी करते हो, तो ऑटोमेटिकली इसके जरिए तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया यहाँ पे हम लोग यूनिट टू का पूरा टॉपिक कंप्लीटली अवर करते हैं। आपके आगे में एक बार और फॉर्मूला रख रहा हूँ, तो आप लोग दोबारा एक बार देख लो, ताकि आपका काम इजी हो जाए, कि मैंने जो बताया वो सब फॉर्मूला लगभग कवर हो चुकी है। देख लो, क्लियर? पीवी रेशियो, उसके बाद पीवी रेशियो की अलग अलग फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। नहीं, ये तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, कंट्रीब्यूशन उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो मिलेगा। तो ये इनकम स्टेटमेंट से तुम्हारे ये सब इक्वेशन भी तैयार हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।